कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक, गोगा वॉशिंग पाउडर। आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है, जैसे आपको विदित है कि जैसे राम जन्मभूमि का कार्य संपन्न हुआ, ठीक यही हमारे श्रीधाम वृंदावन और मथुरा की जो जन्मभूमि है वो कई दिनों से आपको सबको विदित है। तो इसीलिए हो रहा है कि हम आने वाले समय में, जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि पंचवर्षीय इसी योजना में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर निर्माण हमारे मथुरा में होना चाहिए, इसी सरकार में होना चाहिए। इसलिए आज हम सब ने श्री बालाजी सेवाधाम श्रीधाम वृंदावन में समस्त संतों और महात्मा विद्वानों के सानिध्य में ये सुंदर गोष्ठी रखी और इन सब का सम्मान रखा। तो हम सब यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी शुभ शीघ्रम भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का भवन दिव्य निर्माण। आज धर्म रक्षा संघ की ओर से यहाँ बालाजी सेवाधाम में एक आयोजन रखा गया, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति के लिए श्री कृष्ण जन्म स्थान मुक्ति अभियान की उद्घोषणा की गई है और इस अभियान का शंखनाद किया गया है। आज इस पवित्र आश्रम से हम सभी संतों के सानिध्य में, हम सभी लोगों ने संतों के आशीर्वाद से श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है और सभी संतों के सानिध्य में इस संकल्प को आने वाले 5 सालों में हमें पूर्ण करना है, उस प्रकार की योजनाएं सभी संतों के आशीर्वाद से धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ता बनाएंगे। हमने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मथुरा के श्री मनीष चंद शास्त्री जी, मनीष कृष्ण शास्त्री जी महाराज को निवेदन किया कि अपने नेतृत्व में वो राष्ट्रीय प्रभारी बनकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और उनके नेतृत्व में और आगे संतों के नेतृत्व में हम धर्म रक्षा संघ की ओर से अभी हम केवल कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और अब हम सड़कों पर भी इस आंदोलन को लेके जाएंगे, जन जन तक धर्म रक्षा संघ इस आंदोलन को पहुंचाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी अयोध्या जैसा भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाए। आज धर्म रक्षा संघ के तत्वावधान में श्री बालाजी सेवा धाम के इस पवित्र प्रांगण में हम सभी धर्माचार्य एवं संत भगवानों ने मिलकर ये प्रण लिया है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाए हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को हमने आज एकत्र किया है और हमारा एक ही विषय है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बड़े शांति परिपूर्ण तरीके से बनाए, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बने और हम देश में ही नहीं अपितु देश विदेश जहाँ भी हमारे सनातनी धर्म के भाई बहन हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम सबको एकत्र करेंगे और केवल हमारी एक ही मांग रहेगी कि भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्मभूमि पर और भव्य मंदिर बने और केवल श्री कृष्ण के ही जयकारे वहाँ लगते रहें। तो हिंदुओं के आराध्य स्थल हैं, उनसे अपना दावा छोड़ देना चाहिए और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य जन्मभूमि है, जिसमें आज के 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने जिस मंदिर का निर्माण किया था, कालांतर में टूटता बनता रहा, आज उस पर औरंगजेब के द्वारा जो ढांचा खड़ा किया गया है, मुस्लिम पक्ष अपने अनाधिकार जो चेष्टा कर रहा है उससे पीछे हटे और हिंदुओं का जो आराध्य का मंदिर है उनको सौंप दे, अन्यथा जब ASI सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा और उनको कानूनी लड़ाई में भी देना पड़ेगा, लेकिन फिर वो सौहार्द का वातावरण नहीं रहेगा। इसलिए मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से ये आग्रह करता हूँ मुस्लिम पक्ष से कि वो भाईचारा निभाते हुए और बड़ा दिल दिखाते हुए मथुरा की जन्मभूमि से अपना दावा हटाएँ और हिंदू सारे जो हैं अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर वहाँ पर बनाएं। आनंद को अपने मुखारविंद से कहने का जगह नहीं है। हमने अयोध्या का जो संकल्प था ये जो पूर्ण हुआ है, ये बहुत ही खुशी मंगल का मय दिन है
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साक्षात वैष्णव स्वरूप धारण करके प्राण प्रतिष्ठा में किए। दूसरा बात, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सन्यासी होते हुए भी वैष्णव साधु संत के ठाकुर श्री राम लला का प्रतिष्ठा में तन मन धन को उसमें लगा करके विजय को जो प्राप्ति किया है और शासन को दिखाया है, ये किसी सरकार ने आज तक नहीं दिखाया है। इसलिए सराहनीय हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, ऐसा ही कृष्ण जन्मभूमि पर भी मंदिर का प्रतिष्ठा तो होगा ही होगा, मने शासन ही नहीं अनुशासन के अंतर्गत होगा, जो किसी प्रकार से राग दोष भेदभाव नहीं हो सके। जिस प्रकार से अयोध्या में हुआ है शांतिपूर्वक, इसी प्रकार से वृंदावन मथुरा भी होना चाहिए।